हेलो स्टूडेंट्स, गाइस, पेरेंट्स, जो भी वीडियो को वॉच कर रहा है यार, केयूपीवाई के रिगार्डिंग इतने दिनों से बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन था, चिंता थी कि भैया जो है एडमिट कार्ड कब रिलीज होने वाले हैं। एग्जामिनेशन 22 को है, एडमिट कार्ड कब आएगा। और इतने दिन जो है आप देख रहे थे कि जो केयूपीवाई की जो वेबसाइट थी उसके ऊपर शो हो रहा था कि एडमिट कार्ड जल्दी फर्स्ट वीक ऑफ मई के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो अपडेट हो चुका है डाउनलोड एडमिट कार्ड का, और जस्ट आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कंसर्न बता देता हूँ यार, जिन भी बच्चों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है अपना अपना जो है वैक्सीनेशन आप जो है जरूर करवा ले। जिन बच्चों ने अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, दिस इज मैंडेटरी फॉर दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज COVID-19 जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से हजारों केसेस आ रहे हैं इंडिया के अंदर अभी भी। तो जस्ट आपको जो है फुल प्रिपेयर होके जाना है, पढ़ाई तो करके जानी जानी है, एंड 95 मार्क्स लगा मास्क जो भी है लगा के जाना है, एक आपका पानी का बोतल जो है आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। अब जस्ट जो है आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए क्या करना है, एंड तो यार जस्ट आप जो है यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन जो आप इस पोर्टल पे आ जाते हैं, एंड केयूपीवाई नेशनल फेलोशिप जो भी है, आपको यहाँ पे अपना पहले एक आईडी डालना है, यूजर आईडी जो भी आपका, देन पासवर्ड डालना है, और ये कैप्चा फिल कर देना, जस्ट लाइक सारे के सारे कैपिटल के अंदर ही है। मैं डाल देता हूँ जैसे, ओके, एंड जस्ट यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, यूजर आईडी डालेंगे, जैसे मैं यूजर आईडी डाल देता हूँ और पासवर्ड डाल देता हूँ, सो आप इसके अंदर जो है जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी कुछ इश्यूज की वजह से मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है, बिकॉज माय पासवर्ड इज रॉन्ग, पासवर्ड में भूल गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स भी भूल गए होंगे पासवर्ड, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना, देन आपको जो है यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालना, जैसे मैंने अपना यूजर आईडी डाल दिया, ठीक है, एंड फिर से यही कोड डालना है, जैसे जेड अक्स जेड एन वाई टू अक्स, एंड गेट पासवर्ड पर क्लिक करना। आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे SMS आ जाएगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो यार ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट कंसर्न हो, आपको कुछ ना समझ आए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, ठीक है, हमारी जो टीम है वो आपसे कोलेबरेट कर लेगी, कॉन्टेक्ट कर लेगी, आपका कॉल जो है उठा लेगी और आपको जवाब दे देगी, ओके। और यार ये जो है QPY वाले भी फुल सपोर्ट करते हैं, IISc बेंगलोर वाले NTA की तरह नहीं है, बिल्कुल फुल सपोर्ट करते हैं, हैंड टू हैंड कॉल टू कॉल जवाब देते हैं आपको, कोई भी अगर क्वेश्चन होता है, क्वारी होती है, तो इनका हेल्पलाइन नंबर भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जो है उनसे कोई कंसर्न कर सकते हो, ठीक है गाइस। यार एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, 22 तारीख को आपका एग्जाम है, जो भी बच्चे CMI का एग्जाम दे रहे हैं उनको 23 तारीख को एग्जाम है, जो भी के बच्चे QPY का एग्जाम दे रहे हैं CMI का भी 22 को है। तो जस्ट जो बच्चे QPY का दे रहे हैं इसका आपके पास सटीक प्रूफ, आपने अगर ईमेल आईडी वगैरह पे सेंड कर दिया होगा कंसर्न ये, तो आपको जो है CMI का एग्जाम 23 को देना पड़ेगा। तो जस्ट यार खूब पढ़ो, और जस्ट इसके कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ। जैसे अगर आप QPY स्कॉलर हो जाते हो, देन अगर आप जो है IISc बेंगलोर एंड आईसर वगैरह से ये जो है सारे के सारे कोर्सेस अगर करते हो, जस्ट लाइक BSc BASB स्टेटिक्स BMAT इंटीग्रेटेड MSc इंटीग्रेटेड MS वगैरह वगैरह, देन आप करते हो, देन आपको जो मंथली स्टाइफंड मिलता है एंड एनुअल जो आपको ये मिलता है, देन जो भी आपके जो सीनियर भैया होते हैं उनको ये तरीके से कुछ प्रकार से कुछ जो है गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलता है, स्टाइफंड मिलता है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, जस्ट यू कैन ट्राई नाउ योर बेटर। और अगर आप एक QPY स्कॉलर हो जाते हो, देन जो है आपको आईसर्स के अंदर एडमिशन लेने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो जस्ट यार ट्राई करो कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ, एंड दुनिया की इंडिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी IISc में एडमिशन लेने का मौका मिल सकता है तुमको, तो जचा के फोड़ दो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद।